audio jungle. आपको बता दें कि तस्वीरों में दिख रहा है शख्स निलंबित सफाई कर्मचारी राजेश कुमार है, जो शाहजहांपुर के गांव समधाना थाना तिलहर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। आज नशे में धुत होकर शाहजहांपुर विकास भवन कार्यालय पहुंचा और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। इस दौरान वह कभी विकास भवन की छत पर जाने कूदने का प्रयास करता तो कभी विकास भवन के अंदर स्थित नाली का जाल हटाकर उसमें घुसकर हंगामा करता। इस दौरान सफाई कर्मचारी का तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सफाई कर्मचारी ने अपने कपड़े फाड़कर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान निलंबित सफाई कर्मचारी द्वारा कई विभागीय कर्मचारियों पर उसके बहाल करने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए। उपरोक्त हंगामे की सूचना मिलने पर सीडीओ के सामने सफाई कर्मचारी को पेश किया गया, जहां सफाई कर्मचारी द्वारा शराब के नशे में धुत होने के कारण रिश्वत लेने वालों के नाम सही नहीं बताए गए तो उसको होश में कार्यालय में आकर अपनी समस्या बताने को कहकर वापस कर दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि उपरोक्त सफाई कर्मचारी 16 जून 2021 को निलंबित किया गया था। इसके बाद 13 जुलाई 2021 को आरोप पत्र जारी किया गया था। 9 अगस्त को एडीओ को रिमांडर भेजा गया था, लेकिन उपरोक्त सफाई कर्मचारी द्वारा अपने पक्ष में कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया और आज इस तरह से विकास भवन कार्यालय में हंगामा किया। उन्होंने बताया कि हर पहलू पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।